व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है? मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सॉरी, क्योंकि दोस्तों मुझे जियो फाइबर का कनेक्शन नहीं मिला तो मैंने सोचा कि एयरटेल ले लूँ। क्योंकि दोस्तों मुझे आपको वीडियो देना था अच्छी क्वालिटी में, क्योंकि हम जितना भी एडिट वगैरह कर ले, शूट कर ले, अगर वीडियो 4K वगैरह पे नहीं आया तो आपको पिक्चर क्वालिटी ख़राब मिलेगा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जियो फाइबर लगा लूँ, लेकिन जियो फाइबर हमारे एरिया में लाइव नहीं हुआ है। तो वो लोग बोले कि अभी एक डेढ़ महीना और आपको वेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैंने सोचा चलिए एयरटेल पर चलते हैं। तो एयरटेल का क्या फंड है, उसका टर्म एंड कंडीशन कैसा है, क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो दोस्तों सब कुछ आपको बताएंगे। और लाइव टीवी चलता है कि नहीं 499 में, दोस्तों वो भी बताएंगे। तो वीडियो में बने रहे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एयरटेल एक्सट्रीम की या एयरटेल ब्रॉडबैंड की। तो दोस्तों अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है तो दोस्तों एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास स्मार्ट टीवी नहीं है तो आप एक्सट्रीम बॉक्स ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आगे सुनते रहिए, आपका कान से धुआं निकलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं सबसे पहले इसके कॉस्ट वगैरह की, कितना लगेगा। तो दोस्तों 2500 रुपये का ये लोग बोलते हैं कि चार्ज होता है 2499 दोस्तों ये लोग बोलते हैं, लेकिन GST लगाकर ये लोग उसी को 3400 रुपये कर देते हैं, मतलब 3400 रुपये। अब इसमें मिलता क्या क्या है दोस्तों? तो इसमें आपको मिलता है एक राउटर, एक एक्सट्रीम बॉक्स। राउटर का जो प्राइस है दोस्तों वो 800-900 रुपये होगा, लेकिन उसका 1000 रुपया ले लेते हैं ये लोग, उसी में दोस्तों ये रिफंडेबल नहीं होता है। लेकिन रिफंडेबल जो होता है दोस्तों 1500 रुपये होता है जो एक्सट्रीम बॉक्स का है। अगर एक्सट्रीम बॉक्स आप लौटाएंगे कभी भी तो आपको 1500 रुपये मिल जाएगा। लेकिन उसमें फंडा क्या है, अगर आप ले लिए तो आपको 10 मंथ तक कंटिन्यू रिचार्ज करना पड़ेगा 499 या उससे ऊपर का। तो आप जब भी रिफंड करेंगे तो आपको 1500 रुपया मिलेगा, वरना आप एक महीने भी अगर बीच में स्किप कर दिए तो आपको ये अमाउंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया, 3499 रुपये आपका लगेगा दोस्तों GST लगाकर। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक एक्सट्रीम बॉक्स और एक राउटर। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें और क्या मिलने वाला है। तो 3333 GB का दोस्तों आपको डेटा मिलने वाला है, और एक्सट्रीम का दोस्तों सर्विस मिलने वाला है। एक्सट्रीम सर्विस क्या होता है दोस्तों, कि इनका एक ऐप है जिसके अंदर लाइव टीवी चलता है। अब लाइव टीवी चलता है यहाँ पर सुन के दोस्तों आप खुश मत होइए, क्योंकि आगे वीडियो देखते रहिए, आपकी कान से फिर धुआं निकलेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं लाइव टीवी सेक्शन की। तो दोस्तों उसमें सबसे पहले बात करते हैं रिचार्ज की। मिनिमम सब हम लोग ये चीज सोचते हैं कि 499 का रिचार्ज कराएंगे तो टीवी चलेगा, इंटरनेट भी चलेगा। लेकिन दोस्तों 499 पे आपको GST देना होगा, जो दोस्तों GST लगाकर 589 रुपीज हो जाता है, मतलब 589 रुपए हो जाता है दोस्तों, लगभग 600 रुपए हो जाता है इनका कॉस्ट पर मंथ का। तो आप 499 मत सोचिए दोस्तों, उसमें आपको 100 रुपया और लगेगा, मतलब 100 रुपया 110 रुपया और लगेगा, और 489 रुपीज आपको देना पड़ेगा पर मंथ दोस्तों 3333 GB डेटा के लिए। आप यहाँ पर लाइव टीवी के बारे में क्यों नहीं बात किया, क्योंकि दोस्तों आगे आप वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों अब इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, जो दोस्तों जियो फाइबर आता उसका प्लान 399 का दोस्तों वहां पर भी प्लान आता है, लेकिन GST लगाकर 470 रुपए वहां पर लगता है। तो यहां पर दोस्तों आपका जो यहां पर एयरटेल का पैक है 499 का, और यहां पर दोस्तों GST लगाकर 470 हो रहा, तो अभी भी एयरटेल का जो मेन प्लान है उससे नीचे ही है जियो फाइबर का। तो दोस्तों यहां पर जियो फाइबर में आपको यह चीज बेनिफिट मिलेगा, 399 का पैक है, GST लगाए तो दोस्तों 470 रुपये हो रहा है, लेकिन यहाँ पर GST लगाएंगे तो लगभग 600 रुपये पहुँच जा रहा, मतलब इधर दोस्तों 500 रुपये नहीं पहुँच रहा, 30 रुपये आपका बच रहा, और यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 10 रुपया बच रहा, मतलब 11 रुपया बच रहा, और दोस्तों 600 रुपये आप टच कर जा रहे। तो दोस्तों कॉस्ट आपको समझ में आ गया कि दोस्तों दोनों में कितना कितना कॉस्ट पड़ेगा आपको पर हर मंथ रिचार्ज करने में। तो दोस्तों अब बात करते हैं 499 में आपको क्या मिलने वाला है। तो 499 में आपको 40 MB/s के हिसाब से दोस्तों इंटरनेट मिलने वाला है एक महीने तक, 3333 GB आपको डेटा मिलेगा, और दोस्तों इसमें आपको मिलने वाला है एयरटेल एक्सट्रीम का दोस्तों सर्विस। अब एयरटेल एक्सट्रीम का सर्विस आप कहां यूज कर सकते हैं आपको बता देता हूं। दोस्तों प्ले स्टोर में एक ऐप है जिसका नाम है एयरटेल एक्सट्रीम, जो आपका मोबाइल में है दोस्तों। तो मोबाइल में लॉगिंग होगा और मोबाइल में आप टीवी वगैरह देख सकते हैं मोबाइल में, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सट्रीम बॉक्स आप लिए हैं तो उसका क्या फंडा है। तो एक्सट्रीम बॉक्स आप जो लिए हैं, इंटरनेट को अभी साइड में रखते हैं, और 499 का आप जो प्लान लिए वो एक्टिवेट है। अब एक्सट्रीम बॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो एक्सट्रीम बॉक्स के लिए दोस्तों ये आपका टीवी में कनेक्ट होगा,
इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, ये हाइब्रिड है जिसमें दोस्तों आप अपना एंटीना का केबल लगा सकते हैं। तो दोस्तों एंटीना का केबल को भी अभी हटा देते हैं, अभी बात करते हैं सिर्फ इंटरनेट की। तो दोस्तों इस पे आप इंटरनेट चला सकते हैं, जी हाँ एकदम चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एयरटेल का बेस पैक 153 का रिचार्ज करना पड़ेगा हर मंथ, मतलब 499 तो अलग हो गया दोस्तों, मतलब 589 रुपीज़ अलग हो गया, यहाँ पर 153 का आपको हर महीना रिचार्ज करना होगा। वो किस लिए दोस्तों, क्योंकि आपका अगर टीवी स्मार्ट नहीं है और आप यूट्यूब वगैरह देखना चाहते हैं या फिर दोस्तों कोई फ्री चैनल देखना चाहते हैं तो आपको 153 का अलग से रिचार्ज करना होगा, उसके बाद दोस्तों आपका यूट्यूब वगैरह चलेगा। और आपका जो फ्री चैनल जो मिल रहा है दोस्तों ट्राई के तरफ से 153 का जो दोस्तों बेस पैक है उसमें जो जो चैनल आते हैं दोस्तों, मतलब बंगाली तेलुगू तमिल कन्नड़ जो आपके बजट का मतलब आपके समझ का नहीं है दोस्तों वो सब चैनल चलेगा। अब दोस्तों अब ये सवाल है कि 153 का रिचार्ज नहीं कराएंगे तो क्या स्मार्ट टीवी में यूट्यूब, क्या नॉन स्मार्ट टीवी में एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स लगा के आप यूट्यूब देख सकते हैं? तो दोस्तों 153 का अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हैं तो आप कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं कर सकते हैं एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स का दोस्तों टीवी पे, मतलब वहाँ पर आप यूट्यूब भी खोलेंगे तो आपको बोलेगा कि बेस पैक कम से कम रिचार्ज कराइए। आप यहाँ तक के डेटा को मतलब पेन ड्राइव भी लगाकर आप दोस्तों यूज़ नहीं कर सकते, मतलब वो डब्बा है। अगर 153 का आप रिचार्ज कर रहे हैं तो एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स इंटरनेट के साथ यूज़ होगा, अगर आप नहीं करा रहे हैं तो नहीं होगा। हाँ अगर ये आप कर सकते हैं कि 499 का आप रिचार्ज नहीं कराए, ख़त्म कहानी उसका, नहीं कराए तो आप अपना एंटीना का तार जोड़िए और एयरटेल का जो भी दोस्तों पैक होता है डीटीएच का वो करा के आप देख सकते हैं। तो इस तरह का कंडीशन है, मतलब दोस्तों यहां पर सिंपल लैंग्वेज में ये चीज बोला जाए कि 499 में आप टीवी देख सकते हैं तो नहीं देख सकते, 499 में सिर्फ आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं, टीवी देखने के लिए दोस्तों आपको 153 का रिचार्ज करना पड़ेगा, यूट्यूब देखने के लिए आपको 153 का रिचार्ज करना पड़ेगा और कोई भी सर्विस हो उसके लिए आपको 153 का रिचार्ज करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इस वीडियो में कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप लेना चाह रहे हैं तो जियो फाइबर लीजिए, एयरटेल को भूल जाइए अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं और आपको सही में एकदम ज़रूरत है जैसे मेरे जैसे बंदे के यहाँ पर ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहा है लेकिन एयरटेल का कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि मैं मेरा चैनल इतना छोटा है कि मैं एफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो दोस्तों इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरे सारे दोस्तों से और जो भी मेरे यूट्यूब के फैमिली उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा आज के वीडियो में कि थोड़ा सा सबर कर लीजिए, वीडियो क्वालिटी आपको अच्छा मिलेगा। जियो फाइबर के लिए हम बहुत ही ज़्यादा दौड़ रहे हैं, जैसे लगेगा आपको 4K पे वीडियो देखने को मिलेगा तो वीडियो क्वालिटी भी और आवाज़ वगैरह सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपका सारा कंक्लूजन यहाँ पर क्लियर हो गया कि आपको 499 यानी दोस्तों उसमें GST लगाकर 589 रुपीज़ में जो आप कराएंगे पैक वगैरह उसमें आपको लाइव टीवी नहीं देखने को मिलेगा, उसके लिए 153 का कम से कम बेस पैक आपको कराना होगा तो ही आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो समझ में आए तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह का अमेजिंग वीडियो हम देते रहते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।